आदाब नाजरीन, आपको बताता जाऊं इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो जम्मू कश्मीर के सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर से निकल के आ रही है, जहां इस वक्त एनआईए की तरफ से रेड्स की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में ये एनआईए की तरफ से रेड कंडक्ट की जा रही है, जो कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एनआईए मिलकर ये रेड्स जम्मू कश्मीर के सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में कंडक्ट कर रहे हैं। आपको बताते जाएं, ये रेड्स इसलिए कंडक्ट की जाती हैं, जम्मू कश्मीर में जो भी लोग, अगर उनका किसी आतंकवादी के साथ संबंध होता है या वो किसी हमारे पड़ोसी दुश्मन मुल्क से फाइनेंशियल हेल्प ले रहे होते हैं, इन सब को रोकने के लिए एनआईए जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये सब रेड्स कंडक्ट करती है। आपको बताते जाएं, जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर में ख़त्म किया गया, उस समय के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारी सेंट्रल विंग्स जो हैं, लाइक हम एनआईए की बात कर रहे हैं या एंटी करप्शन ब्यूरो की बात करें या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें, उनको इंडिपेंडेंट काम करने का मौका मिला है जम्मू कश्मीर में। और जब से धारा 370 को ख़त्म किया गया, उसके बाद इन सेंट्रल विंग्स ने जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छी तरह से अपने काम को अंजाम दिया है, क्योंकि अब इनको इंडिपेंडेंट काम करने का मौका मिला है। अभी कुछ लोग ये भी होंगे जो जानना चाहते होंगे कि जम्मू कश्मीर के सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर में एनआईए की रेड्स ये किस जगह चल रही हैं। आपको बताते जाएं, अभी हम आपको पिन पॉइंट लोकेशन शेयर नहीं कर सकते। अभी देखने वाली बात ये होगी कि एनआईए की इन रेड्स में कौन कौन से लोग निकल के सामने आते हैं और क्या क्या सामान एनआईए बरामद करती है।